रायबरेली जिले में नवागंतुक जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव जी का स्वागत। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता के साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष त्रिलोचन सिंह छाबड़ा, जिला प्रभारी संदीप जैन, प्रदेश मंत्री सोनू वर्मा, संरक्षक महेंद्र अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष चंद प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरजीत सिंह तनेजा, नगर युवा अध्यक्ष रंजीत सिंह बगा, नगर महामंत्री पवन गुप्ता आदि द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने जिलाधिकारी महोदय को अपने व्यापार मंडल द्वारा शुभकामनाएं देते हुए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के आह्वान पर मंडल द्वारा चाइना के उत्पाद के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें चीन निर्मित उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई। वह कहा गया कि चीन हमारे देश के खिलाफ दुश्मनों जैसा बर्ताव करता चला आ रहा है, इसलिए उसको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए हम व्यापारियों ने चीन द्वारा निर्मित सभी उत्पादों के बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है। इस संबंध में भारत सरकार से यह अपेक्षा है कि चीनी कंपनियों के भारत में प्रवेश एवं उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को भारत आने से रोका जाए। इस पर जिलाधिकारी महोदय ने व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करने के लिए शीघ्र ही विशेष बैठक बुलाने के लिए कहा।